हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों हम कर रहे हैं एम सी क्यू प्लस एस सी क्यू बिट क्वेश्चन बुकलेट इशु बाई आई सी एम एफ पेपर नंबर मैंने आपको ओ एम का जो पार्ट था वो तो कंप्लीट करवा दिया था ओ एम का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था एम सी क्यू ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे आज हमें एस एम में कुछ एम सी क्यूज गिवन है अराउंड है वो आज हमें कंप्लीट करने तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एम सी क्यू नंबर चल रही है टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे गिवन है आप फ्री टेस्ट सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हो टेलीग्राम चैनल पर ही हम आपको बताते हैं नोटिस देते हैं कि कब टेस्ट होगा उसका कब पेपर अपलोड होगा और कब सॉल्यूशन हम देंगे टेलीग्राम चैनल पर ही पेपर अपलोड होगा और वहीं पे आपको सॉल्यूशन भी अपलोड किए जाएंगे रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम रिवीजन का बेनिफिट उठा सके स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है बेंच मार्किंग इज तो देखो बेंच मार्किंग क्या होता है बेंच मार्किंग एक तरीके से स्टैंडर्ड का लेवल होता है जैसे होता क्या है हम जब एक इंडस्ट्री में कंपनीज को देखते हैं तो जो कंपनी बेटर कहीं ना कहीं मार्केट में कर रही होती है परफॉर्मेंस बेटर दे रही होती है तो हम उसको एज ए स्टैंडर्ड या एज ए एक लीडरशिप की तरह मानते हैं कि भी ये अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें भी इसको अचीव करना है उसको क्या बोला जाता है बेंच मार्किंग तो बेंच मार्किंग इज पॉइंट नंबर ए है द एनालिटिकल टूल टू आइडेंटिफाई हाई कॉस्ट एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द पेरेटो एनालिसिस आंसर इज नो सर हाई कॉस्ट एक्टिविटी में आइडेंटिफाई नहीं करता इसमें सर्च फॉर इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिस दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंसर ये क्योंकि बेंच मार्किंग का मतलब अचीव करने की कोशिश करते हैं दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सर्च करते हैं कि भाई ये बेस्ट प्रैक्टिस है तो मैं भी इसकी तरह काम करने की कोशिश करूंगा दिस इज द बेंच मार्किंग सेकेंड सक्सेसफुल डिफरेंशियल स्ट्रेटजी अलाउ द कंपनी टू सर डिफरेंशियल स्ट्रेटजी डिफरेंशियल स्ट्रेटजी का मतलब होता है इंडस्ट्री में जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है उनसे कुछ डिफरेंट आप करो मतलब आपकी स्ट्रेटजी बाकियों से अलग हो तो उसको बोला जाता है कंपनी टू अगर आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है कहता हूं वो सक्सेसफुल भी है तो आपको वहां से क्या मिलेगा डिड ऑनली ऑन इंट्रेंजिक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है तो सर अगर आपकी स्ट्रेटी अलग है और वो सक्सेसफुल भी है तो आप कहीं कही ना कहीं कस्टमर जो है उसका दिल जीत रहे हो आप कस्टमर जो है उसका दिल जीत रहे हो इसका मतलब गेन बायर लॉयल्टी टू इट्स ब्रांड आपके ब्रांड की तरफ कस्टमर अट्रैक्ट होगा अगर आपने एक बार उसका दिल जीत लिया वो दूसरी बार जब भी प्रोडक्ट परचेस करेगा आपके ब्रांड के बारे में बिल्कुल सोचेगा आपके ब्रांड के बारे में बिल्कुल सोचेगा नेक्स्ट थर्ड तो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ए थर्ड द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आर बीपीआर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है बीपीआर का बीपीआर में इनमें से क्या आपको एसेंशियली देखने को मिलता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी प्लानिंग फॉर द टेक्नोलॉजीज़ प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक रिजल्ट सर आंसर सी है क्योंकि बीपीआर में क्या होता है बीपीआर में हम अपने जो फंडामेंटल सोचते हैं उन पे दोबारा एक बार सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस की प्रोसेस को रीडिजाइन करते हैं क्यों करते हैं ताकि हम बेटर रिजल्ट वहां से अचीव कर सके तो आंसर होगा आपका सी एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ बीपीआर क्या है रीडिजाइनिंग रीथिंकिंग रीथिंकिंग करके अपने फंडामेंटल्स पे जो भी आपकी बिजनेस प्रोसेस है उसको रीडिजाइन करना ताकि हम वहाँ से बेस्ट बेटर रिजल्ट अचीव कर सके ड्रामेटिक रिजल्ट अचीव कर सके आंसर होगा आपका सी। आंसर होगा आपका सी नेक्स्ट फोर्थ। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़। कल्चर क्या है एप्रीसिएशन फॉर द आर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कल्चर से आर्ट को मत अटैच कर लेना यहां पे आर्ट मतलब नहीं होता कल्चर का कल्चर का मतलब इन्वायरमेंट एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का

कल्चर इज नेक्स्ट फिफ्थ वन इनोवेशन स्ट्रेटजी क्या होती है strategy, अपने करना. Strategy, strategy, Sir, तो यही है क्योंकि इनोवेटिव स्ट्रेटजी का मतलब क्या है जो आपको लगता है कि ये हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं मार्केट में इस चीजों की डिमांड हो सकती है तो उसके लिए रेस्पॉन्ड करना उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विसेज को मॉडिफाई करना यही इनोवेटिव स्ट्रेटजी होती है क्योंकि अगर आपने एक बार कस्टमर की डिमांड समझ ली उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दिया तो आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी इनोवेशन स्ट्रेटजी इज रेस्पॉन्डिंग टू एंटिसिपेटिंग कस्टमर्स एंड मार्केट डिमांड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कैन बी डिफाइंड अगर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन पूछी जाए तो इनमें से कौन सी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की लिस्ट ऑफ एक्शन अबाउट ऑपरेशनल प्लानिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम क्या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कोई स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा कंट्रोल सिस्टम क्या होगा ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होगी इसका कोई स्टेटमेंट है आंसर इज नो स्टेटमेंट ऑफ हाउ टू कंपीट डायरेक्शन क्या कॉर्पोरेट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लिखते हैं कि कॉम्पीट कैसे करेंगे ग्रोथ किस तरीके से चलेगी हमारी एनवायरमेंट को कैसे करना है आंसर इज नो अबेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स आंसर इज अगेन नो ए कोर्स ऑफ एक्शन और चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव

स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एस बी यू होगा ये एस यू भी नहीं है एस बी यू बोला जाता है तो आप किस पर काम क्या है तो कैसे डिफाइन करोगे क्या एस बी यू हेल्प करता है मार्केट ऑपरेशन में सर आंसर इज नो

इंडियन एयरलाइंस डिक्रीजिंग दिल्ली मुंबई सेक्टर एयरलाइंस कर दिए फॉलोविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द नो फ्रिल एयरलाइंस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ तो यह किस चीज का एग्जाम्पल है क्या यह कॉस्ट लीडरशिप का एग्जाम्पल है यह प्राइस लीडरशिप का एग्जाम्पल है तो सर आंसर इज ये बी जो है दिस इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया प्राइसेस मतलब वो लीडरशिप कर रहे हैं प्राइसेज में कि देखो हम प्राइस तो वो बाहर हो जाएंगे तो करेक्ट आंसर होगा इसका प्राइस लीडरशिप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन मार्क इन बीसीजी मैट्रिक्स जब आप बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ते हो तो वहां पे क्वेश्चन मार्क होता है इज एन इन्वेस्टमेंट तो जो क्वेश्चन मार्क है वो किस तरीके के इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करता है यील्ड लो करंट इनकम बट हैज ब्राइट ग्रोथ सर आंसर यही है क्वेश्चन मार्क जो बीसीजी में होता है वो इंडिकेट करता है कि आपकी करंट इनकम तो कम होगी लेकिन जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट फ्यूचर है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो फ्यूचर में आपको वहां से अच्छी रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है अब इस तरीके के क्वेश्चन में बाकी ऑप्शन अगर आप पढ़ते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं घूम के रह जाओगे तो आपको बस पता होना चाहिए मैट्रिक्स में सर क्वेश्चन मार्क का मतलब ही है जैसे आपको करेक्ट आंसर सबसे पहले दिखाई दे वो चूज कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन एन के लिए पॉइंट नंबर ए विजन इज बिफोर द मिशन सर बिल्कुल ठीक है हाँ एक बात और ध्यान देना ये भी देख लिया करो कि कहीं ऑल ऑफ तो नहीं है ए एंड बी तो नहीं है बस एक बार देख लिया करो क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है सर मैंने देखा A answer correct है। हो इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना तो फॉर एन एंटरप्रन्य पॉइंट नंबर ए है विजन इज बिफोर द मिशन सर बिल्कुल ठीक बात है एक एंटरप्रिन्य के लिए विजन जो है वो पहले बनता है और मिशन बाद में बनाया जाता है तो विजन इज बिफोर द मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन टिपिकली प्रॉफिट आर हाइएस्ट इन विच स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल जो होती है उसकी कई स्टेजेस होती है इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी डिक्लाइनिंग स्टेज तो ये जानना चाहते हैं कौन सी स्टेज में हाइएस्ट प्रॉफिट होता है

ज बेस्ड ऑन टू डायमें जो मैट्रिक्स है क्योंकि मार्केट शेयर तो हम देखते हैं लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर रिलेटिव मतलब इंडस्ट्री में, में हमारा मार्केट शेयर क्या है एंड मार्केट और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है तो अकॉर्डिंगली हमारी ग्रोथ क्या होगी उसके अकॉर्डिंगली बी विल बी और करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द स्ट्रेटी ऑफ द रिलायंस ग्रुप इन इंडिया वुड बी ए गुड एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडिया जो है वो किसका एग्जाम्पल है कॉन्ग्लोमेट डाइवर्सिफिकेशन का मार्केट डेवलपमेंट का प्राइस ट्रांसफर का और कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन का तो सर ये कॉन्ग्लोमिरेट डाइवर्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि आप देखोगे रिलायंस ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी है तो वो कम्युनिकेशन बिजनेस में भी है तो वो रिफाइनरी बिजनेस में भी है तो एक डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा उनका डाइवर्सिफिकेशन है जिसका एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट से कोई रिलेशन भी नहीं है तो उसको बोला जाता है कॉन्ग्लोमेट डाइवर्सिफिकेशन तो ए विल बी और करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एन एक्टर इन बॉलीवुड हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वुड बी एन देखो अगर एक एक्टर है और वो फेमस है अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से तो सिंपल सी बात है उसमें अपनी कुछ एबिलिटी है जिसकी वजह से वो क्या है वहां पे फेमस है तो क्या वो उसके लिए एसेट है क्या स्ट्रेटेजिक एसेट है कोर कॉम्पिटेंसी है कैपेबिलिटी है तो सर वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है जिसको वो यूज कर रहा है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो उसकी अपनी एक कॉम्पिटेंसी है बाकियों के कम्पेरिजन में वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैश इंडिकेट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कैश काउ का क्या मतलब होता है हाई शेयर आंसर इज नो लो लो ग्रोथ ग्रोथ एंड नेगेटिव कैश फ्लो सर तो होता है बट कैश फ्लो पॉजिटिव होते हैं नेक्स्ट सी हाई शेयर होता है लो ग्रोथ यस लार्ज पॉजिटिव कैश फ्लो सर आंसर इज यस सी इज द करेक्ट आंसर कैश का मतलब होता है हाई शेयर है हमारा मार्केट में लेकिन ग्रोथ फिलहाल कम है बट कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव होता है और लार्ज अमाउंट में होता है. 16. If an its supply, लो मैं बी से माल खरीदता हूं और अब मैं बी को हीता हूं तो क्वेश्चन जानना चाहता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या ये हॉरिजोटल मर्जर है इंटीग्रेशन है क्या ये फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है ये बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है तो सर आंसर इज सी ये बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है क्योंकि मैं पीछे से माल खरीदता हूं सप्लायर से तो उसको मैंने एक्वायर कर लिया तो ये क्या है बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है सी विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट सेवनटीन डेल्फी टेक्निक डेल्फी टेक्निक का मतलब क्या होता है याद रखने वाली सी बात है क्या इज एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैजन बेसिक टास्क एज फॉलोज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इनमें से क्या बेसिक टास्क होते हैं टू मॉनिटर प्लान प्रोग्राम ऑफ प्रोडक्शन क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोडक्शन से रिलेटेड प्लान पे ध्यान देते हैं आंसर इज नो टू डिजाइन द कोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट सर आंसर इज यस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है स्ट्रेटेजिक जो ऑप्शन है उनको डिजाइन करना और उनको अचीव करने के लिए टॉप मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स वगैरह होती है जिसमें टॉप मैनेजमेंट अपॉइंट किए जाते हैं तो आंसर होगा आपका बी क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा आपका बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ऑफ फ्रेमवर्कॉफ ने जो सेवन एस बताया है उसका मतलब क्या है स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी सॉफ्टवेयर स्किल्स स्टाइल्स स्टाफ एंड सुपरविजन सर सॉफ्टवेयर तो नहीं है वहां इसका मतलब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर यस स्ट्रेटजी यस सिस्टम्स यस स्किल्स यस स्टाइल यस सिंडिकेशन एंड शेयर वैल्यू सर सिंडिकेशन तो नहीं है वहां पे इसका मतलब स्ट्रक्चर यस स्ट्रेटजी यस सिस्टम यस स्किल स्टीयरिंग पावर सर टियरिंग पावर बी एस का मतलब कहीं नहीं बताया मैकेंजी ने डी है स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी स्टाफ स्किल्स सिस्टम शेयर्ड वैल्यू एंड स्टाइल सर आंसर इज डी 7 एस की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी स्टाफ स्किल सिस्टम शेयर्ड वैल्यू एंड स्टाइल तो अपने को ई नॉन ऑफ द अबव की जरूरत नहीं पड़ने वाली आंसर विल बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट आर एंड्यूरिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पॉलिसी मिशन स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव रूल्स नेचर ऑफ ऑनरशिप तो पर्पज की बात चल रही है तो सर मिशन स्टेटमेंट जो है वो हर एक बिजनेस का अलग अलग होता है जिसकी वजह से एक बिजनेस दूसरी फॉर्म से

ऑफ़ ए वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर आंसर इज़ यस क्योंकि आउटसोर्सिंग में मैं क्या करता हूं? बाहर से खरीद के लाता हूँ कुछ ऐसा जो कि मैं बेच तो दूंगा आगे जाके बट मैं खुद बना नहीं पा रहा या मैं खुद प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा तो एक्सटर्नल सप्लायर से मैं कुछ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी बाई कर लेता हूँ दिस इज द आउटसोर्सिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फॉर एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड बॉलीवुड में मान लो एक एक्ट्रेस है हर प्रेटी फेस वुड बी ए और एन और वो काफी सुंदर है तो ये जो सुंदरता है प्रेटी फेस जो है वो उसके लिए एसेट है वो उसके लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है कैपेबिलिटी है ये ऑल ऑफ दर कॉम्पिटेंसी है ना कोई कैपेबिलिटी है बात है एसेट और स्ट्रेटेजिक एसेट की तो देखो एक तो भाई प्रेटी फेस तो है ओरों का भी हो सकता है बट ऐसा तो नहीं है कि हर एक का प्रेटिव फेस है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस है और फेमस है सर आंसर इज नो उसके लिए अगर कोई फेमस है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी भी उन्होंने एक फॉलो करी होगी जिसकी वजह से वो मार्केट में फेमस है बॉलीवुड एक्ट्रेस है तो सिंपल सी बात है वो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है बी विल बी और करेक्ट आंसर स्ट्रेटेजिक एसेट नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज कंसर्न विद स्टेटिंग द पोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो है वो इनमें से किससे कंसर्न है मिशन सर ये मार्केट सेगमेंट सर नो प्रोडक्ट सिलेक्शन सर आंसर इज नो फाइनेंशियल टारगेट आंसर इज नो एक्सटर्नल अप्रेजल आंसर इज नो बी मिशन यस गोल्स ये कॉर्पोरेट अप्रेजल येस पोजिशन ऑडिट येस गैप एनालिसिस यस तो सर करेक्ट आंसर आपका बी ही है आगे अपने को जाने की जरूरत भी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर टोटली थ्योरी क्वेश्चन आएंगे के के अंदर के अंदर कोई प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है सीधा सीधा थ्योरिटिकल है हमने जो आपके नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं बुलेट फॉर्म्स में क्वेश्चन हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत इजीली उसके बेसिस पे दे सकते हो नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक चॉइस स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एज वेल एज बिजनेस स्ट्रेटी स्ट्रेटजी चॉइस मेक्स ए स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटी है वो एक ही है आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोनों सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट

point number a, it, it constantly oversees the company mission, objective, and policies. it approves issues like r&d, foreign collaboration, linkage with financial institution, capital busting, new product launch, competitive strategy building. it tries to ensure that the company remain aligned with changing social, political, and economic.

देखो स्मॉल कंपनीज ऑफेंसिव अटैक मार्केट में कर ही नहीं सकती क्योंकि वो छोटी कंपनी है अगर करना भी चाहेगी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी फॉर कंपनीज दैट सर्च न्यू अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सर ये भी कोई ऑफेंसिव स्ट्रेटजी की डेफिनेशन नहीं है फॉर द मार्केट लीडर हु शुड अटैक द कॉम्पिटिटर बाई इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट दैट मेक एग्जिस्टिंग वन ऑब्सोलिट सर आप ऑलरेडी मार्केट लीडर हो दो कंपनीज आर स्ट्रॉन्ग इन दार्केट बट नॉट लीडर आप मार्केट में स्ट्रॉन्ग तो हो बट लीडर नहीं हो एंड कैप्चर लेकिन जो लीडर है उसका मार्केट शेयर है वो आप खा रहे एक तरीके से मतलब लीडर से जो माल खरीदता है लीडर के जो क्लाइंट है उनको आप तोड़ते हो ये एक ऑफेंसिव स्ट्रेटी होती है तो डी विल बी और आंसर क्योंकि आप मार्केट में स्ट्रॉन्ग भी हो लीडर नहीं हो लीडर तो होता तो फिर आपको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता लेकिन आप स्ट्रॉन्ग होते हुए मार्केट में लीडर के क्लाइंट तोड़ते हो तो वो क्या है एक तरीके से ऑफेंसिव स्ट्रेटजी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी है फेमस एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ देयर इज ए बिट ऑफ स्टील इन एवरी वन लाइफ वो एक एडवर्टीजमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि हर एक की लाइफ में स्टील का कहीं ना कहीं थोड़ा हिस्सा होता है अगर ये दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है क्या वो कस्टमर को अवेयर करना चाह रहे हैं कि देखो हमारे प्रोडक्ट की रेंज ऐसी है कि हर एक की लाइफ में उसका कोई रोल है क्रिएट एन इमेज ऑफ सुपीरियर परफॉर्मेंस क्या वो अपना घमंड दिखा रहे हैं कि देखो हम इतने सुपीरियर हैं inform new buyers about its special product क्या वो नए बायर को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं enhance the product quality perception या फिर achieve its mission तो ऑफ कोर्स आंसर आपका ई कि सर ये एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया है इस पर्पस से कि हम अपना मिशन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक की लाइफ में हम अपना रोल आपके सामने रख रहे हैं प्रेजेंट करते हैं आंसर होगा आपका डी टू अचीव इट्स मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज आर अंडरटेक आप मार्केट में रिसर्च स्टडी करते हो क्यों करते हो टू मेजर ब्रांड लॉयल्टी ऑफ ए क्लास ऑफ कंज्यूमर सर यस टू प्रेडिक्ट मार्केट पोटेंशियल ऑफ ए प्रोडक्ट ऑन ए फ्यूचर डेट की मार्केट फ्यूचर मार्केट क्या होगा हम क्या माल बेच सकेंगे सर बिल्कुल इसके लिए आप रिसर्च करवा सकते हो टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट प्राइस रिलेशनशिप किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है क्या रिलेशन है मतलब कितना प्राइस रखूं क्या बिक जाएगा सर बिल्कुल इसके लिए भी आप रिसर्च कर सकते हो टू मेक आउट ए केस फॉर रिविजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्ट्रेटी बिल्कुल अगर आपको लगता है कि रिसर्च के बाद आपको स्ट्रेटजी में चेंज करना चाहिए आप उसके लिए रिसर्च करवा सकते हो ऑल ऑफ द तो सर आंसर होगा आपका ई ऑल ऑफ द क्योंकि मार्केट रिसर्च स्टडी इन चारों पर्पज के लिए ऑर्गेनाइजेशन करवा सकती है ई विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन इज ब्लैंक इन लो रिटर्न इंडस्ट्री ये ब्लैंक वाले जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में हमारे एग्जाम में जो एस ए क्यू क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिल सकता है एमसीक्यू और एस ए क्यू में मेन मेजर डिफरेंस ये होता है एमसीक्यू में चार ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यहां पे जैसे पांच पांच ऑप्शन है चार या पांच मिल जाएंगे जबकि एस ए क्यू के अंदर ऑप्शन नहीं होते अपने को पता होना चाहिए तो इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन इज ब्लैंक इन लोअर रिटर्न इंडस्ट्री देखो लोअर रिटर्न इंडस्ट्री वहां पर होती है क्योंकि नहीं कमा सकते, तो वो होती है। तो हो आपका यहां पे सी सर हाई कंपटीशन जहां पे होता है वहां लो रिटर्न आप जनरेट कर पाते हो सी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी

या फिर मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग रिसर्च एंड डाइवर्सिफिकेशन या फिर मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन डी है मार्केट आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट पोजीशनिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन और ई e है डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट इनोवेशन मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन सर आर्म ऑफ की बात करें तो उन्होंने कहा था कि चार जो स्ट्रेटजी है फॉर फिलिंग द कॉर्पोरेट प्लानिंग गैप इज मार्केट आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट पोजीशनिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन डी विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन थर्टी वन डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स इज द सेम एज जो डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स है वो सेम है किसके सेम है बीसीजी मॉडल के जैसे है या नाइन सेल जी मैट्रिक्स है

इसमें आपको कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर नॉर्मली देखने को मिलता है मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ऑलिगोपोली परफेक्ट या फिर नन ऑफ तो सर आंसर बी है एफ एम सीजी में आपको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मेनली देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ए प्रोडक्ट लाइन इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट लाइन जो होती है पूरे प्रोडक्ट की एक रेंज इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड क्या वो प्रोडक्ट क्लोजली रिलेटेड होना जरूरी है टे थ्रू द सेम चैनल सर यस परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन फॉर बींग सोल टू दस्टमर सर आंसर इज यस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट थर्टी फोर न्यू एंट्रेंड टू एन इंडस्ट्री आर मोर लाइक कहते हैं एक इंडस्ट्री में नए 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 बिजनेस आते हैं एक इंडस्ट्री में नए नए लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए कब ज डिफिकल्ट टू गेन एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में दिक्कत होगी तो नए नए लोग एंटर नहीं करेंगे इंडस्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द इंडस्ट्री आर हाई प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इन द इंडस्ट्री इज लो और कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द इंडस्ट्री आर हाई तो सर आंसर सी है जिस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट का जो डिफ्रेंसिएशन है वो कम होता है तो नए नए एंट्रेंट्स आते हैं नए नए लोग आते हैं अपना बिजनेस लेकर कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं अकॉर्डिंगली ताकि वो अपने बिजनेस को वहां पे ग्रो कर सके तो सी विल बी और करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द टास्क ऑफ इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी प्राइमरली फॉल्स अपॉन द शोल्डर्स ऑफ कहते हैं जो मैनेजर टास्क है स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड वो किसके कंधों पे है सीईओ पे फर्स्ट लाइन डे डे टू रिस्पांसिबिलिटी फॉर की एक्टिविटीज आर डन प्रॉपरली मतलब लो लेवल पे ऑल मैनेजर्स अटेंडिंग टू वट नीड्स एरिया या फिर all of तो बात करूं तो आंसर होगा सर सी सारे के सारे मैनेजर रिस्पॉन्सिबल हैं जो जिस काम में काम कर रहे जिसके पास जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने एरिया पे ध्यान दे लाइक प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन पे ध्यान दे तो परचेज मैनेजर परचेज पे ध्यान दे तो हर मैनेजर अपने अपने काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है और उसके लिए उसको कहीं ना कहीं ऑथोरिटी भी मिली हुई होती है तो सी विल बी करेक्ट विस्ट थर्टी सिक्स द स्ट्रेटी विच कॉन्सेंट्रेट अराउंड ए प्रोडक्शन मार्केट प्रोडक्शन मार्केट के अराउंड जो स्ट्रेटजी होती है उस स्ट्रेटजी का नाम क्या है वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी हॉरिजॉन्टल या डाइवर्सिफिकेशन तरी होता है निश स्ट्रेटजी जिसको फ्लैंकिंग स्ट्रेटजी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट 37 कॉर्पोरेट विजन इज द सेम एज कॉर्पोरेट ड्रीम मिशन गोल या स्ट्रेटजी सर कॉर्पोरेशन का जो गोल है दैट इज नथिंग इट इज कॉर्पोरेट ड्रीम विजन क्या होते हैं एक तो होते हैं कंपनी को कि हमें यह चीज अचीव करनी है नेक्स्ट 38 निश इज सिमिलर टू ग्रोथ स्ट्रेटजी मिल्किंग स्ट्रेटजी फ्लैंकिंग या सर्वाइवल अभी अभी मैंने कहा कि निश जो है वो फ्लैंकिंग स्ट्रेटजी के नाम से भी जानी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन सप्लायर ग्रुप इज वो पावरफुल होता है कहते हैं कब इफ इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑफर यूनिक प्रोडक्ट इट्स कस्टमर कैन बैकवर्ड इंटीग्रेट देर आर नो स्विचिंग कॉस्ट सर सप्लायर का ग्रुप जो है वो पावरफुल तब होगा जब वो यूनिक प्रोडक्ट ऑफर कर रहा होगा यूनिक मतलब कोई उसके जैसा प्रोडक्ट ऑफर ही नहीं करता तो सर बिल्कुल सिंपल सी बात है वो मार्केट में एक पावरफुल सप्लायर होगा क्योंकि उसके जैसा कोई प्रोडक्ट ही प्रोवाइड नहीं करवाता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी ए कंपनी स्ट्रेटजी इज मोस्टली हिडन टू आउटसाइड व्यू एंड इज नॉन ओनली टू टॉप लेवल मैनेजर सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है टिपिकली प्लांट वेल इन एडवांस एंड यूजली डेविएट लिटल फ्रॉम द प्लांट सेट ऑफ एक्शन एंड बिजनेस अप्रोचेज बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ मेकिंग ऑन द स्पॉट चेंजेस सर ऐसा भी नहीं है पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव टू चेंजिंग सर्कमस्टांसिस मोस्टली ए फंक्शन ऑफ द स्ट्रेटी बींग यूज बाई राइवल कंपनीज पर्टिकुलरली दोस्ट्री लीडर्स सर इसका करेक्ट आंसर है कंपनी प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेज में चेंज हो रहा है, में अगर कोई है तो उसके अकॉर्डिंगली रिएक्टिव और प्रोएक्टिव स्ट्रेटी आपकी होनी चाहिए वही एक्चुअल स्ट्रेटी है जो कि सक्सेसफुल स्ट्रेटी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन द रीजन फॉर फेल्यूर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मे बी डिस्क्राइब टू

एम्प्लॉई अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे सर अगेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल हो सकता है तो आंसर होगा इसका डी तीनों रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर ओशियन स्ट्रेटजी जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है किससे कंसर्न पॉइंट नंबर ए मूविंग इन टू न्यू मार्केट विद न्यू प्रोडक्ट सर नहीं आंसर इज नो क्रिएटिंग ए न्यू मार्केट ये प्लेसेज वे देर इज नो कॉम्पिटिशन सर ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हम एक नया मार्केट प्लेस फाइंड आउट करते हैं कहा पे, पे कॉम्पिटिशन ना हो यही ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी होती है तो बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट फोर्टी थ्री द स्ट्रेटजी ऑफ द टाटा ग्रुप देखो टाटा रिलायंस ये एक ही है सेम है मतलब सेम तरीके के बिजनेस मार्केट में करती है द स्ट्रेटी ऑफ द टाटा ग्रुप इन इंडिया की बात करी थी टाटा के लिए होगा क्योंकि टाटा तो भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक में भी है गाड़ियां भी बना लेती है जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन भी नहीं है तो कहीं ना कहीं कांग्लोमिर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है नेक्स्ट फोर्टी फोर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर अवॉइड रिस्क रिड्यूस रिस्क रिटेन रिस्क कंबाइन रिस्क सर होता है ट्रांसफर रिस्क शेयर रिस्क हेज रिस्क सर ये भी होता है तो बोथ एंड भी सर आंसर इज यस तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में आपको ये सारे तरीके की जो रिस्क है वो मैनेज करनी है तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर 45 द बेस्ट टेस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इज हमने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करी है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है इसका बेस्ट टेस्ट किस तरीके से किया जाए सर ऑप्शन ए है वेदर द स्ट्रक्चर इज वेल मैच टू स्ट्रेटजी वेदर द स्ट्रेटजी एंड प्रोसीजर आर ऑब्जर्वड इन ए स्ट्रेटजी सपोर्टिव फैशन वेदर एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस

कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल है या फिर नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीम टू बी एन एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ये चार जो पॉइंट गिवन है इनमें से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एडवांटेज कौन सा नहीं है डिस्चार्जेज बोर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी सर आंसर इज यस प्रोवाइड दे फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग सर आंसर इज यस ज एन ऑब्जेक्टिव एसेसमेंट सर आंसर इज यस इट कैन बी एक्सपेंसिव सर एक्सपेंसिव होना कहा हो गया तो so, इसका मतलब डी जो है दिस इज नॉट एन एडवांटेज करेक्ट आंसर नेक्स्ट फोर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिजेज प्रोडक्ट एंड बिजनेस बाई मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ सर बी सी जी मैट्रिक्स होती है बीसीजी एनालिसिस में हम क्या करते हैं मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट और बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं बी विल बी और करेक्ट आंसर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसी मतलब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स नेक्स्ट 48 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैकेंजीज सेवन एस फ्रेमवर्क हमने ऊपर सेवन एस देखे थे अब यहां पे क्वेश्चन जानना चाहता है कि इन चार में से कौन सा सेवन एस का पार्ट नहीं है किल है सर स्टाफ भी है सिस्टम भी है सुपरविजन नहीं है सेवन एस के अंदर किसी भी एस का मतलब सुपरविजन नहीं है तो डी विल बी और करेक्ट आंसर सर जो फ्रेमवर्क है उसमें सुपरविजन कहीं कवर नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कहने का मतलब सिंपल हमें ये बताना है इन चारों में से तीन स्टेटमेंट सही है जो गलत है वो बताओ कौन सा करेक्ट नहीं है विजन इज द स्टेटमेंट ऑफ द फ्यूचर सर यस, द कॉरपोरेट मिशन इज द पर्पज और रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस ये भी करेक्ट है टारगेट्स आर फॉर्मड फ्रॉम विजन मिशन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन जो टारगेट सेट करती है वो विजन और मिशन के बेसिस पे करती है सर आंसर इज नॉट पहले टारगेट सेट होते हैं उसके बाद आप मिशन स्टेटमेंट वगैरह फॉर्म करते हो तो सी जो है दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट सी इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट सी विलेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ये जो चार पॉइंट है इनमें से किसको में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ नहीं बोल सकता किसको मैं इसकी स्ट्रेंथ नहीं बोल सकता गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर आपकी इंडस्ट्री में रिलेशन अच्छे हैं यह आपके लिए एक स्ट्रेंथ है इंसेंटिव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपको इंसेंटिव मिलते हैं यह भी आपकी एक स्ट्रेंथ है इसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है आप फाइनेंशियली काफी साउंड हो आपके पास फाइनेंस है अच्छा खासा यह भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेंथ है रो मटेरियल एट ए डिस्टेंस आपको जो रो मटेरियल आप यूज करते हो वो एक डिस्टेंस से आते हैं सर ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ नहीं है आपकी एक वीकनेसेज है तो डी विल बी ऑर करेक्ट आंसर ये आपकी वीकनेस है स्ट्रेंथ नहीं है ये आपकी वीकनेस है ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन क्वेश्चन बिजनेस यूनिट एसबीय स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सपीरियंस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन एडवांटेज सिंपल आपको बताना है कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का इनमें से क्या एडवांटेज नहीं है हायर करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेटर कंट्रोल ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाई कॉस्ट अप्रोच सर हाई कॉस्ट किसी का भी एडवांटेज कैसे हो सकता है पॉसिबल ही नहीं है लिमिटेशन है डिसडवांटेज है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस वोर इन द एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इंडिया में एयरलाइन इंडस्ट्री में जो प्राइस वॉर है ये क्या इंडिकेट करता है दैट कस्टमर्स आर रिलेटिवली वीक बिकॉज ऑफ द हाई स्विचिंग कॉस्ट क्रिएटेड बाई फ्रिक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम्स अजीब सी लाइन गिवन है द इंडस्ट्री इज मूविंग टूवर्ड डिफरेंसिएशन ऑफ सर्विसेज सर डिफरेंसिएशन होगा तो आपको प्राइस वॉर करने की जरूरत क्या आपको मार्केट में अपना डिफ्रेंसिएशन के लिए पैसा मिलेगा ये भी गलत है द कॉम्पिटिटिव राइवरली इन द इंडस्ट्रीज सिवियर सिंपल सी बात यह है सर प्राइस वॉर इसलिए है क्योंकि तो मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है सिवियर कॉम्पिटिशन है जिसकी वजह से हर कंपनी क्या है अपने प्राइसेस को कम से कम करके अपनी टिकट सेल करना चाहती है सी विल बी ऑर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बीपीआर एलिमिनेटिंग लॉस मेकिंग प्रोसेस रीडिजाइनिंग ऑपरेशनल प्रोसेस रीडिजाइनिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्रूटिंग द प्रोसेस इंजीनियरिंग सर बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करने का मतलब यह है रीडिजाइन करना प्रोसेस को ऑपरेशनल प्रोसेस को रीडिजाइन करना ताकि हम बेटर रिजल्ट अचीव कर सके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर फॉलोइंग आर एप्रोप्रिएट एज ए फॉर ए प्रोडक्ट लाइन विच इज ए ग्रुप ऑफ सर ऊपर भी क्वेश्चन आया था और इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था ऑल ऑफ दाइन जो की ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है तो उसमें दे आर मार्केटेड थ्रू द सेम चैनल और बींग सोल्ड टू द सेम कस्टमर ऑल्सो डी विल बी ऑर करेक्ट आंसर रिपीटेड क्वेश्चन

तो सर ए है आंसर आर्म्स ऑफ मैट्रिक्स में ये चारों स्ट्रेटजी कवर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स प्राइस फिक्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम टेक प्लेस वेन कहते हैं प्राइस फिक्सेशन फर्स्ट टाइम किया जाता है कब वेन ए कंपनी डेवलप और एक्वायर ए न्यू प्रोडक्ट हो सकता है सर इंट्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू ए न्यू जियोग्राफिक एरिया और ए न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ठीक है आप एक मार्केट में उसको बेच रहे हो दूसरे मार्केट में लेकर जा रहे हो सर जरूरी नहीं है हर पहली बार आप एक नया प्रोडक्ट एक्वायर करते हो डेवलप करते हो उसके लिए भी कर सकते हो एक नए एरिया में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसके लिए भी कर सकते हो एक सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्क करवा रहे हो उसके लिए भी कर सकते हो तीनों के लिए हो सकता है डी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन लो रिटर्न इंडस्ट्री वहां पे क्या था ब्लैंक गिवन था बीच के अंदर तो इंटेंसिटी कॉम्पिटिशन वहां पे ज्यादा होता है जहां पे आपको रिटर्न कम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी क्लोजली रिलेटेड विद द मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन होता है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे रिलेट कर सकता हूं वो भी क्लोजली रिलेट कर सकता हूं इट इंक्लूड्स डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इट स्पेफाइज मैनेजमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स कस्टमर एंड सोसाइटी इट प्रोवाइड द रोड मैप टू कंपनीज फ्यूचर या फिर इट इंडिकेट द काइंड दैट कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट फॉर फ्यूचर तो सर मिशन की अगर मैं बात करूं तो इट इंक्लूड्स डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मिशन के अंदर आप लिखते हो कि हम क्या प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे टू द कस्टमर्स ए विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पोर्टफोलियो एनालिसिस पोर्टफोलियो एनालिसिस ए ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ए टर्म यूज टू आइडेंटिफाई मेंटेन ए बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियसिबल टू एनालाइज प्रोडक्ट एंड बिजनेस बाई मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ टू मेक मैनेजर्स मोर एडेपल टू अन चेंज तो सर इसका करेक्ट आंसर होगा ए पोर्टफोलियो एनालिस ताकि हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन मार्केट में मेंटेन कर सकें और अगर हमारी पोजीशन वीक है तो हम उसको इंप्रूव कर सके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ मार्केटिंग इन चारों में से मार्केटिंग का रोल क्या नहीं है इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर कर सकते हो इट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ सर मार्केटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है इट हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ टैलेंट। सर मार्केटिंग के थ्रू आप टैलेंट भी डिस्कवर कर सकते हो इट डिमिनिशेज पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड एंड दस रिड्यूसेज द साइड ऑफ मार्केट क्या मार्केटिंग के थ्रू आप अपना डिमांड कम करते हो क्या मार्केट साइज कम करते हो सर आंसर इज नो बढ़ाते हैं मार्केटिंग करने के पीछे होता है मार्केट में डिमांड बढ़े मार्केट शेयर बढ़े तो इज द विजन डिसाइड करती है इन चारों में से कौन सा बेनिफिट नहीं है इट हेल्प इन क्रिएशन ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड ए शेयर बिल्कुल सर एक कॉमन आइडेंटिटी वहां पर अचीव आप करते हो इट फोस्टर रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल करते हो इट फोस्ट शॉर्ट टर्म थिंकिंग सर विजन जो होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं एक लॉन्ग टर्म विजन हम मेंटेन करते हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर दिस इज नॉट द बेनिफिट ऑफ ए विजन शॉर्ट टर्म हम अचीव नहीं करतेशन ऑफ ए कंपनी बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट लाइन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है किसी कंपनी की द कॉम्पिटेटिव पोजिशन ऑफ ए कंपनी या प्रोडक्ट लाइन आप किस तरीके से कंपनी की वॉलेटाइल नहीं होती स्ट्रॉन्ग हो सकती है फेवरेबल हो सकती है डोमिनेंट हो सकती है वॉलेटाइल का क्या मतलब है यहां पे सर ऐसा कुछ भी नहीं है डी विल बी और करेक्ट आंसर दीज आर द उसमें आप छमसी क्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो सिमिलरली एस सी क्यू आता है ट्वेंटी मार्क्स का उसमें भी आप छे फिल्लैंक लाइक क्वेश्चन से एक्सपेक्ट करते हुए